अस्सलाम वालेकुम, मैं परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो बेचारे कफील कंपनी से परेशान हैं और वो मकतब अमल में कंप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन जब वो कंप्लेन करने के लिए जाते हैं तो उनसे एक मसला होता है कि वो एजेंट के थ्रू अपना कंप्लेन बुक करते हैं, जिसकी वजह से उनको 100-150 रियाल फीस वहाँ पे करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना मकतब अमल का अपॉइंटमेंट खुद से ही बुक कर सकते हैं अपने क्यूवा के एप्लीकेशन से, और उसके लिए आपको 1 रुपये भी फीस पे नहीं करना पड़ेगा। आपका बहुत सारा पैसा यहाँ पे बच जाएगा। तो जो भी मेरे भाई लोग यहाँ पे इस तरीके से परेशान हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा पे करते हैं एजेंट को, आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं और ख़ुद से ही क्यूआर के थ्रू अपना अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको A to Z स्टेप बताने वाला हूँ और लाइव प्रूफ करके भी दिखाऊँगा और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक दबा के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि सऊदी से जुड़ी और गल्फ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे आपको मेरे आवाज़ पे नहीं, जो ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, वो चीज़ को यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है मेरे भाई लोग। तो ये बहुत ईजी तरीका है, इसमें आपको हो जाता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी भी अपडेट भी दे देता हूँ कि जिनको भी अपॉइंटमेंट लेना होगा क्यूआ के एप्लीकेशन से, 2 दिन पहले आप अपना क्यूआ का एप्लीकेशन पे अपॉइंटमेंट लेंगे, ठीक है। तो तुरंत आपको करंट में नहीं मिलेगा, 2 दिन पहले आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। और इसका एक अच्छा ये रीज़न है कि जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो उस डेट में आपको कॉल भी आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बुक किया था, मुझे भी कॉल आया था मकतब अमल से, अरबी में पूछा कि ऐश मुश्किल, तो मैंने तो खैर बोल दिया माफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको बताने के लिए वो अपॉइंटमेंट बुक किया था, फिर मेरा वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया गया। तो जिन लोगों को अपॉइंटमेंट बुक करना है उसके लिए एक छोटी सी अपडेट कि 2 दिन पहले आपको अपना अपॉइंटमेंट को बुक करना पड़ेगा, तुरंत में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको चले जाना है यहाँ पे क्यूआ के एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना क्यूआ का एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, तो आप भी अपना क्यूआ का एप्लीकेशन को ओपन कर लें, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ओपन कर लेंगे कुछ टाइम लेगा, यहाँ पे टाइम लेने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे जो आपको क्या करना है कि ऊपर में आपको जो है एक 3 लाइन का डॉट दिखता होगा, यहाँ पे सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका लॉगिन का ऑप्शन है। तो जिन लोगों का यूज़र आईडी पासवर्ड बना वो और लॉगिन कर लेंगे यहाँ पे। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा था इसलिए मेरा डायरेक्ट ओपन हो गया। आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके जो आपका क्यूआर का है वो ओपन कर लेंगे। यहाँ पे कुछ सेकेंड हम लोग को वेट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मेरा अकाउंट खुल गया है। अब यहाँ पे आपको दिखता होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सर्विस इंडिविजुअल, यहाँ पे दिख रहा है इंडिविजुअल अकाउंट, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना। चलिए इस पर क्लिक कर लिए। अब क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका है। अब आपको यहाँ पे वापस क्या करना है कि ऊपर में आपको 3 डॉट एक ऑप्शन दिखता होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखता होगा 3 डॉट का ऑप्शन, यहाँ पे देखिए ये है 3 डॉट का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है सिंपली। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखता होगा सर्विस, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में, सबसे नीचे में लिखा हुआ है सर्विस, आपको सिंपली सर्विस पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, अब आपको दिखता होगा लेबर ऑफिस अपॉइंटमेंट, यहाँ पे सबसे नीचे में दिखता होगा ये देखिए लेबर ऑफिस अपॉइंटमेंट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट इन लेबर ऑफिस, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है लेबर अपॉइंटमेंट इन लेबर ऑफिस, अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। चलिए इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर लेंगे हम लोग, तो क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड हम लोग को वेट करना पड़ेगा, विंडो ओपन होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका आ गया। अब यहाँ पे आपको दिखता होगा ये देखिए बुक अपॉइंटमेंट, आपको सिंपली क्या करना है इस पर क्लिक कर लेना। चलिए इस पर हम लोग क्लिक कर लिए। अब यहाँ पे देखिए लिखे हुए है पूरा आपका डिटेल्स, यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ नीचे चले जाएंगे और यहाँ पे पूरा आपका डिटेल्स आ जाता है, आपका नाम, आपका एकामा नंबर, उसके और नीचे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है न्यू रिक्वेस्ट फॉर वर्चुअल फॉलो रिक्वेस्ट है, इंक्वायरी का ऑप्शन है। लेकिन हम लोगों को जो है अपॉइंटमेंट लेना है फाइनल एग्जिट के लिए, चाहे किसी भी मसले के लिए, तो यहाँ पे नीचे में सबसे हम लोग नीचे में चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे में आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिखता होगा रिक्वेस्ट न्यू सर्विस इन पर्सन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बार अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखे हुआ है रिक्वेस्ट इन न्यू पर्सन, ठीक है। सिंपली आपको इस पर टिक कर लेना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, टिक कर लेते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे,
पहले हम लोग सर्विस को सिलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे सर्विस नेम है तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और इसमें एक एक सर्विस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मुस्नद ऐप सर्विस है जो कि डोमेस्टिक वर्कर का है, तो हम डोमेस्टिक को और कभी क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन सा सर्विस हम लोग के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं लेबर रिलेशन है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन है, इंडिविजुअल है। तो अभी हम लोग लेबर रिलेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सर्विस नेम है, ठीक है, इस पर हम लोग क्लिक करके देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग इस पर अभी हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्लिक किया, यहाँ पे लिखा है वर्क परमिट फॉर फाइनल एग्जिट एंड ऑप्शन फॉर रिपोर्ट। तो जिन लोगों को फाइनल एग्जिट जाना है वो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई लोग। और यहाँ पे ऑप्शन रिपोर्ट का भी ऑप्शन है, तो आप ऑप्शन रिपोर्ट का भी जो आपके ऊपर लगा हुआ है वो भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया लेबर रिलेशन का, ठीक है। अभी हम लोग दूसरे अपॉइंटमेंट को भी देख करेंगे कि दूसरे ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन आता है। तो अभी हम लोग इसको फिर से करते हैं सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एंटिल पे, उसके बाद फिर से सिलेक्ट सर्विस पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या, यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन रिपोर्ट है, ट्रांसफरिंग का, यहाँ पे अरबी में बहुत सारा है, आप चाहें तो इसको एक बार ट्रांसलेट कर लें जो कि आपको अच्छा होगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन तो हो गया, अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, इंडिविजुअल इंक्वायरी कंप्लेन इस पर क्लिक किया, और सिलेक्ट सर्विस पे हम लोग एक बार क्लिक करके देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन आता है यहाँ पे। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सर्विस नेम यानी कि सिलेक्ट सर्विस पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। चलिए क्लिक करके देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल इंक्वायरी कंप्लेन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को तो ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया कि कौन कौन सा जो ऑप्शन है वो होता है। अब यहाँ पे हम लोग इसको नेक्स्ट करके देखेंगे, नेक्स्ट कर लिए। अब यहाँ पे हमें ऊपर में रीजन मांग रहा है यानी कि आप किस रीजन से हैं, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए रीजन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं रियाद, मक्का या अधान, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं सिंपली यह रियाद सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं नो वेयर्स फाउंड इन रिलीजन, यानी रियाद में जो है जिस ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट किया उसके रिलेटेड कोई भी यहाँ पे ऑफिस नहीं है। तो चलिए मैं और भी जगह को चेक करता हूँ, मक्का है तो मक्का भी नहीं है, ईस्टर्न प्रोविज़न भी नहीं है, उसके बाद आसिर भी नहीं है, बहुत सारे यहाँ पे तबुक में भी नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह का जजान में भी इस ऑप्शन का नहीं है। तभी हम क्या करेंगे, एक बार को सर्विस को चेंज करके देखेंगे, अल कसिम भी यहाँ पे नहीं है। तो अभी हम लोग एक बार अपने सर्विस को ही चेंज करें, जॉब कहीं पे भी ये ऑफिस नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको बैक करेंगे, बैक करके हम लोग फिर से अपॉइंटमेंट को बुक करेंगे। तो यहाँ पे फिर से मैं अपॉइंटमेंट को बुक करने की कोशिश करता हूँ, सेम प्रोसीजर है उसके नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे मैं ऊपर क्लिक करके, अब यहाँ पे नीचे में इंडिविजुअल इंक्वायरी कंप्लेन है तो इस पे तो नहीं लिए। अब हम लेबर रिलेशन पे क्लिक कर लेंगे और सर्विस में अपना सर्विस सिलेक्ट करके वर्क फाइनल एग्जिट, ठीक है, उसके नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो रिलीजन में मैं रियाद डालता हूँ तो रियाद ले लिया है। अब यहाँ पर ऑफिस में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए ऑफिस है, यहाँ पे ऑफिस क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे रियाद लेबर ऑफिस मेरा है तो उसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको भी क्लिक कर लेता हूँ, चलिए इस पर भी हम क्लिक करके इसको भी फुलफिल कर लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे इसको कर लेते हैं तो यहाँ पे नीचे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखता है डेट। तो अब यहाँ पे हम लोग को 2 दिन के बाद का डेट लेना है, ठीक है। तो आज 12 तारीख है, मैं ऐसा करता हूँ, देखता हूँ कि कौन तारीख में मेरे को डेट मिलता है। तो यहाँ पर मैं 14 तारीख का सिलेक्ट कर लेता हूँ, 14 तारीख ले गया है, यहाँ पे नो टाइम शेड्यूल अवेलेबल, ठीक है। तो मैं 14 को हटा करके 15 पे कर लेता हूँ सिलेक्ट डेट पे। अब यहाँ पे टाइमिंग है, मैं टाइमिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आप लोग टाइमिंग में जो है सिलेक्ट करने के टाइम एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप लोग 10 बजे के बाद का ही अपॉइंटमेंट लें। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, चलता हूँ नीचे थोड़ा सा और नीचे में जा कर के 10 बजे का टाइमिंग ले लेता हूँ, क्योंकि उस टाइम तक सब मौजूद हो जाते हैं। उसका नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे देखिए पूरा समरी आ गया है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गया है, यहाँ पे लेबर ऑफिस 15 तारीख का डेट, यहाँ पे पूरा चीज़ आ गया है, इन पर्सन है यानी कि पर्सनली आप जाके बात करेंगे। यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, आपको सिंपली क्या करना है, बुक अपॉइंटमेंट पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए थैंक यू लिख दिया है, अब हमारा जो है अपॉइंटमेंट बुक हो गया है। और देखिए क्यूबा की तरफ से मैसेज भी मुझे आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं मैसेज को, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अरबी में पूरा चीज़ आ गया है, ठीक है। तो ये अरबी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं गूगल ट्रांसलेटर पे और वहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ, क्योंकि अरबी मुझे भी नहीं आता। इस पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे अरबी इंग्लिश किया हुआ ऑलरेडी, मैं मैसेज को पेश करके यहाँ पे डियर कस्टमर एन अपॉइंटमेंट हैज़ बीन बुकेड फ्रॉम 10/5/2024 @10, यानी कि मेरा अपॉइंटमेंट बुक हो गया। अब यहाँ पे मैं वापस क्यूआर पे चला जाता हूँ, क्यूआर पे जैसे ही जाता हूँ
यहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है, ठीक है मेरे भाई लोग। तो अब यहाँ पे मेरा जो है अपॉइंटमेंट पूरी तरीके से बुक हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपना अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं क्यूबा प्लेटफॉर्म के थ्रू, और बड़ी आसानी से बुक करके आप जा सकते हैं, और आपको एक रुपये भी किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एजेंट लोग आपके मजबूरी का फ़ायदा उठा करके आपसे 100-150 रियाल का फ़ाइन यानी कि फ़ीस पे करवा लेते हैं। तो ये तरीका बहुत आसान है, आप लोग अपने से बुक करें, जिस वजह से आपका पैसा भी बचेगा, क्योंकि ग्रुप के हालात में बहुत लोगों के पास पैसा भी नहीं होता, जिस वजह से वो अपना अपॉइंटमेंट को बुक नहीं कर पाते। तो इस तरीके से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग भी मेरे भाई यहाँ पे परेशान हैं, लेबर कोर्ट में कंप्लेन करने के लिए जाते हैं, उनसे पैसा लिया जाता है, तो ये वीडियो को देख करके वो अपना अपॉइंटमेंट खुद से बुक कर लें, उनको खुद पता हो कि किस तरीके से करना है। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि स्वदेशी और गर्ल्स हर तरह की छोटी वीडियो अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए।